ये है बोट एडोप्स अल्फा, जो कि आपको 999 रुपीज में मिल जाएंगे। हाफ इन ईयर डिजाइन वाले ये वर्ड्स आपकी पॉकेट फ्रेंडली तो हैं, बट क्या ये म्यूजिक फ्रेंडली हैं? करते हैं अनबॉक्स। बोट एडोप्स अल्फा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सामने ईयरफोन्स देखने मिल जाएंगे, जैसे ही हम इसको निकालेंगे ढेरों सारे यार पेपर वर्क मिल रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपको मिल जाता है टाइम से चार्जिंग केस के साथ आपके ईयरफोन्स, जहां पे बोट की ब्रांडिंग सामने की तरफ है एंड एक ऊपर LED इंडिकेटर। आते हैं केस की बिल्ड क्वालिटी पे, तो मेरे को यहाँ पे स्लिपरी से केस मिल रहा है, थोड़ी सी मैट फिनिश की गई है, नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट मिलता है, बोट की ब्रांडिंग मिलती है एंड काफी मिनिमल सी चीज है एंड हिंज सेक्शन थोड़ा सा लूज आपको देखने के लिए मिलेगा। ईयरफोन्स पे यार आपको मिलती है स्टेम से बर्ड्स, जो कि आपके ईयर में फुल्ली इन जाएगा। हाफ इन ईयर डिजाइन ये ईयरफोन्स हैं, सब कंपेटेबल नहीं होते इन पर्टिकुलर ईयरफोन्स के साथ, तो आप सोच समझ के ही ये ईयरफोन्स लेना। पहले दिक्कत क्या होती है भाई, ईयर फिटिंग की, ईयर पेन की, वो दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको ईयर में इतना कंफर्ट नहीं मिलने वाला कंपेयर टू सिलिकॉन टिप ईयरबड्स, तो वहां पे कंफर्ट लेवल में कंप्रोमाइज अगर आप कर सकते हैं या फिर आप इनमें बेटर आपको कंफर्ट मिलता है, देन यू कैन गो फॉर दीज। रनिंग जॉगिंग के टाइम पर मैं इनको प्रेफर नहीं करने वाला, बिकॉज यार ये ईयर से पॉप आउट हो जाएंगे, एयर फिटिंग इतनी जबरदस्त नहीं मिलती। बट हाँ, एक काम कर सकते हैं, इनको पहन के थोड़ा सा लॉक कर सकते हैं। IPX5 रेटिंग यहाँ पे डेफिनेटली आपको बेटर मिल जाती है, एक एडवांटेज है, और IPX4 जो स्वेट रेजिस्टेंट के मुकाबले यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट आपको देता है, रेनी वेदर में यूज करना तब भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे आपके फोन्स। ये आते हैं भाई लेटेस्ट 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ। मैनुअल पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी आपके डिवाइस के साथ, एंड्रॉइड, iOS, विंडोज सब डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। तो लिड ओपन करना, वहां पे जाके सर्च करना, ये फोन्स को कनेक्ट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। एंड साथ साथ भाई एक बार कनेक्ट कर लिए, उसके बाद जैसे आप लिड ओपन करेंगे तो रीसेंट पेयर डिवाइस के साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, अगर वो डिवाइस 15 मीटर की रेंज में है तो। तो इसको बोलते हैं इंस्टा वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, जो कि यार हर ईयरबड्स कंटेन करता है। रही बात साउंड क्वालिटी का, 13mm के साउंड ड्राइवर यूज हुए हैं। साउंड ड्राइवर से मतलब होता है भाई बेस तगड़ा वाला मिल जाएगा, बट ये चीज हाफ इन ईयर ईयरबड्स पे एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज यार उनमें बेस इतना अच्छा नहीं होता। एंड चाहे ड्राइवर साइज कितना बड़ा कर ले, बेस आपको सिलिकॉन नेटिव के मुकाबले कम ही मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है, बेस ठीक है एवरेज साइज में बोल सकता हूँ, क्योंकि ड्राइवर साइज थोड़ा बड़ा है, बट क्लैरिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, क्योंकि साउंड इतनी क्लियर नहीं है एंड आपको लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। साथ साथ आर्टिस्ट साउंड में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है भाई ये 1000 रुपीज वर्थ इट नहीं है, आप इनको ले सकते हैं, सेल अभी आ रही है तो वहां पे 800 रुपीज पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि यार मैंने तो 800 रुपीज पे इनको परचेज किया था। एंड अगर इस टाइप की डील आप मिस नहीं करना चाहते, इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं लेटेस्ट प्रोडक्ट डालते रहता हूँ विद ऑफर्स, और लिंक नीचे मिल जाएगा। टच कंट्रोल की बात करें भाई, तो यहाँ पे जो टच कंट्रोल्स है ना, वो आपको नीचे की तरफ देखने मिलेंगे, जहां पे बोट का लोगो देखने के लिए मिलता है आपको, तो वहां पे टच कर सकते हैं। सिंगल टैप म्यूजिक प्ले, डबल टैप पोज, सिंगल टैप म्यूजिक प्ले एंड पोज, डबल टैप से नेक्स्ट एंड प्रीवियस म्यूजिक पे आप जा सकते हैं, ट्रिपल टैप से आपका गेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा। कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको चाहिएगा आपका स्मार्टफोन। अब गेम मोड की बात हो ही चुकी है, तो बात कर लेते हैं 50ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी के बारे में, जो कि यार एक्टिवेट आपको करनी पड़ेगी तभी आप गेम का बेनिफिट यहाँ पे उठा पाएंगे ना। तो गेम मोड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे गेम का एंजॉय ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं भाई। मिनिमल सी लेटेंसी आपको मिलेगी, हल्का फुल्का डिले आएगा, बट इतना नोटिसेबल नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल पे भी अगर आप हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सो नो डाउट इट्स गुड फॉर गेमिंग। अब लास्ट जो पार्ट बचता है हमारे ईयरफोन्स का, वो है कॉलिंग टेस्ट, एंड हमने कराया है आउटडोर में कॉल टेस्ट, सुनाता हूँ रिजल्ट। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं बोट एयरडॉप्स अल्फा, एंड ये है एक बजट ओरिएंटेड ईयरफोन्स जो कि आपको डिसेंट माइक्रोफोन देते हैं, वैसे तो अंडर 1000 रुपीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। एंड अभी हम टेस्ट कर रहे हैं आउटडोर कंडीशन में विद ए हैवी नॉइस, एंड इस टाइप का माइक्रोफोन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। दोनों ईयरफोन्स मैंने वियर किए हैं, बेटर रिजल्ट कुछ यहाँ पे इस टाइप के साउंड आपको मिलने वाले। तो भाई आपने रिजल्ट सुन लिए, एंड ईयरफोन्स आई गेस आपको यार कॉलिंग के मामले में भी काफी अच्छे मिले होंगे, क्योंकि यार मेरे को तो आउटडोर कॉलिंग में इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं लगे हैं। ये आप बाहर भी यूज कर सकते, इस्तेमाल किए जा सकते हैं 1000 रुपीज के अराउंड बजट में,
ठीक ठाक माइक्रोफोन आपको मिल जाता है। 35 आवर्स का बैटरी बैकअप कंटेन करते हैं बोट एयरडॉप्स अल्फा एंड 35 आवर्स इज अबव एवरेज एंड विद द चार्जिंग केस आई विल से दैट। तो सिंगल टाइम चार्जिंग में अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं, आप ईयरफोन्स केस से बाहर रहे हैं वो लगातार 6 से 7 घंटा तो आपको चार्ज उसको करना पड़ेगा, दैट इज अगेन एवरेज बैटरी बैकअप। और साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी है, अगर आप 5 मिनट चार्ज करते हैं तो करीबन 1 घंटा इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ए गुड पॉइंट एज वेल। सो गाइस आते हैं कंक्लूजन वाइज, ईयरफोन्स वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी या नहीं है? अगर आप 800 में लेते हैं देन डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, अगर 1000 रुपीज इस प्रोडक्ट के लिए स्पेंड करना पड़ता है देन यू हैव बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट, तो आप उनके लिए जा सकते हैं गाइस। एंड कंडीशन यही अप्लाई होती है भाई, अगर आपको हाफ इन ईयरबड्स पसंद है तब इनके लिए जाइए, वरना मत जाइए, वही आपके लिए बेटर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।